अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो रिव्यू वीडियो है और उसके ऊपर है ऑयल कंट्रोल फेस पाउडर जो कि है सिमोना ब्रांड का। ठीक है, ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है किसी भी कॉस्मेटिक शॉप के ऊपर और दराज से भी अवेलेबल है। मैंने खैर ये मंगाए हैं ऑनलाइन लैब सेशन से और ये मैंने तीन मंगाए हैं। क्यों मंगाए हैं? पहले मैंने एक मंगाया था, अच्छा लगा, तो फिर मैंने जो है ना वो तीन मंगाए। अब इसकी जो कॉस्ट है वो मुझे क्या पड़ी और दराज पे क्या है वो बताती हूँ, और ये किस तरीके से पैकेजिंग में आया था और इसमें कितने शेड्स होते हैं ये बताती हूँ। वीडियो बहुत छोटी सी बनाने वाली हूँ क्योंकि मैं रिव्यू वीडियो जो है वही अपलोड करूँगी अपने चैनल के ऊपर। ठीक है, ये इसका ब्रांड नेम यहाँ पे मेंशन है सिमोना करके। इस तरीके की इसकी पैकेजिंग होती है, ये बॉक्स पैकेजिंग में आता है। मैंने ये ऑर्डर किया है ऑनलाइन, जो मैंने आप लोगों को पेज बताया था एश कॉस्मेटिक्स के नाम से, उसके वहाँ से मैंने जो है ये फेसबुक के थ्रू सेशन के ज़रिए जो है ये मंगवाया है। 250 रुपीज़ डीसी लगी और ये मुझे ईच पड़ा है 400 रुपीज़ का, जबकि दराज में ये आपको मिल जाएगा 700-600 के आसपास और 100 रुपीज़ जो है वो डीसी लगेगी। मैंने तो ज़्यादा मंगवाए हैं तो मेरे तो एक ही डीसी में पड़ गया। ठीक है, इस तरीके से इसकी पैकेजिंग होती है। ठीक है, ये तीन अलग अलग जो है मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन इनका शेड जो है बिल्कुल जो है ना वो 03 है, क्योंकि इससे ज़्यादा जो दूसरे शेड्स थे ना इनके 03 वाले से ऊपर 01 02, तो वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जा रहे थे। एशियन टोन के लिए यही शेड जो है ना ये जाता है। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। इस तरीके से ये ओपन होगा, यहाँ पे आपको पफ मिलेगा, देन यहाँ से इसका सेकंड सेक्शन है जो ओपन होगा, फिर यहाँ पे आपको जो है ये एक मिरर दिया जा रहा है, मिरर के ऊपर पूरी यहाँ पे एक रैपिंग होती है जो आपको उतारनी होती है, और इस तरीके से इसका टेक्सचर है क्रीमी सा। ये बिल्कुल ऑयल कंट्रोल करता है। नॉर्मली मैं बाहर आते जाते यही यूज़ कर रही हूँ। इसको आप ईज़िली जो है ना, ये ब्लेंडेबल है पहली बात, आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर लो और थोड़ी देर बाद ये जो है ना आपके बिल्कुल स्किन के साथ मर्ज हो जाता है और ऐसा लगता है कि बस आपने फाउंडेशन ही लगाया हुआ है, इतना ये क्रीमी टेक्सचर बन जाता है। क्योंकि जो ऑयल आपके फेस से बाहर आ रहा होता है उसको ये बिल्कुल सेटल करने के लिए अपने आपके स्किन के अंदर सेट हो जाता है। तो बहुत वर्थ बाइंग है और बहुत कम प्राइस में ये आपको मिलेगा। और शेड जो है वो आप अपना देख कर मंगाइए। एशियन टोन के लिए 03 ही जाएगा, क्योंकि जब हम फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं या डायरेक्ट भी अप्लाई करते हैं तो ये हमारे फेस के ऊपर बिल्कुल परफेक्टली जो है ना वो बैठ जाता है। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ये तीनों के तीनों मैंने ओपन किए हुए हैं और तीनों के तीनों जो है ना मेरे यूज़ में, जब एक मिलता है तो मैं दूसरा यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, इसको अगर आप बग़ैर उसके लगाओगे, फाउंडेशन के साथ लगाओगे, तो आपके एक्ने स्कार्स जो भी आपके स्पॉट्स हैं वो छुप जाएंगे, लेकिन अगर आप इसको बग़ैर फाउंडेशन के लगाओगे डायरेक्ट तो ये आपको फ्रेश लुक देगा, लेकिन ये आपके एक्ने स्पॉट्स वगैरह जो है वो हाइड नहीं करेगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।